तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों एक समय था जब वो एक्टर्स जो थे बड़े बड़े, चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, वैसे कई अभिनेता यार जिन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है, लेकिन अगर टॉप नाम किसी का आया था या फिर आता है या फिर लिया जाता है तो वो हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब का है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी फिल्में बी ग्रेड की हैं, खासकर 2000 के बाद 2010 के बाद। हालांकि इसके पहले भी थी कई एक्शन फिल्में, लेकिन उन्हें फैंस पसंद भी करते थे। हालांकि रहती बी ग्रेड फिल्में ही थी, और उन्हीं में से एक बी ग्रेड फिल्म थी गुंडा, जिस पर कुछ दिनों पहले नमाश चक्रवर्ती ने बोला कि मेरे को ये फिल्म नहीं पसंद है पप्पा की। तो ऐसे में अब मिनोज चक्रवर्ती, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे हैं, उनसे सवाल किया गया कि आपके पिता मिथुन चक्रवर्ती ने बी ग्रेड फिल्मों में काम क्यों किया, इसका कारण आप बताइए। तब मिनोज चक्रवर्ती ने बहुत ही बेहतरीन और चौंकाने वाला खुलासा किया भाई साहब, जी हाँ, जो इस समय खबर की ट्रेंड भी बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको यही खबर चलते हुए नजर भी आएगी। दरअसल मिनोज चक्रवर्ती ने ऐसा क्या कह दिया जो खबर एक सुर्खियां बन गई, जिस पर ये खबरें चलने लगी हैं। मिथुन चक्रवर्ती के इस बड़े बेटे ने साफ साफ तरीके से कहा कि पिता ने घर चलाने के लिए बी ग्रेड फिल्में की हैं, अपने बिजनेस को, अपने होटल को बचाए रखने के लिए बी ग्रेड फिल्में की हैं, ना कि एक बड़ा नाम बन जाए ऐसा कमाने के लिए किया। मिथुन चक्रवर्ती अपने आप में एक बड़ा नाम है, और बी ग्रेड फिल्में करना कोई बुरी बात नहीं भाई साहब, पैसे कमाने हमें पैसे कमाने आए हैं। और उसी तरीके से हमारे पिता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ पैसे के लिए बी ग्रेड फिल्मों में काम किया करते थे। जहाँ कई एक्टर होते हैं, जैसे कि कई एक्टरों का नाम अगर ले लिया जाए तो बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो कि करोड़ों की फीस लेते थे या फिर लेते हैं, लेकिन उस समय मिथुन चक्रवर्ती बी ग्रेड फिल्में कर ही उनसे ज़्यादा पैसे कमाते थे। जहाँ फिल्मों के लिए उन्हें करोड़ों मिलते थे, वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने 4-5 फिल्में करके करोड़ों से भी ज़्यादा बनाते थे, और अपने बिजनेस, अपने होटल और अपने परिवार को कुछ इस तरीके से चलाते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने कुल मिलाकर फिल्मों को अपना बिजनेस बना लिया था, और इसी अंदाज में, इसी तरीके से मिनोज चक्रवर्ती ने भी अपने इंटरव्यू में अपने पिता पर, अपने पिता की बी ग्रेड फिल्मों पर ये अपडेट, ये चौंकाने वाला जानकारी या खुलासा कह सकते हैं दिया है, जो कि इस समय सुर्खियां बनी हुई है। हालांकि यह बात वाकई में हकीकत है कि अगर आप पैसे कमाने पर उतारू हैं तो पैसे ही कमाइए यार, नाम तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, और मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा ही किया। 80 दशक में अपने एक्टिंग का जलवा दिखाया, 90 दशक में उनका एक्शन देखने को मिला, और कुछ दिनों बाद भाई साहब बी ग्रेड फिल्मों में दादा छा गए, और बी ग्रेड फिल्में क्योंकि इस बारे में मिनोज चक्रवर्ती ने खुलासा कर दिया।